नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। मैं हूं स्लोजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों 29 सितंबर को प्रातः 10:43 से शनि मार्गी हुए हैं। इसका अंतिम वीडियो यानी मीन लग्न और मीन राशि वाले आपके लिए मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूं। जी हां, अन्य लग्नों की वीडियो मैंने बनाई है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के शनि मार्गी 2020 में देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह देना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति मीन लग्न के हैं, शनि जब मार्गी हो रहे हैं तो शनि आपकी कुंडली में आय स्थान पर विराजमान होंगे। इसको बोलते हैं कि अब तक ऐसा शुभ योग आया ही नहीं है। जी हां, कहते हैं कि जब वक्त बुरा होता है तो मनुष्य के जीवन में बहुत चीजों की सीख देकर के जाता है, और मीन लग्न और मीन राशि वाले आपके ऊपर इसका अप्लाई ज्यादा होता है। इसलिए अप्लाई ज्यादा होगा क्योंकि आप अपनी जीवन में अपनी कह सकता हूं कि सत्य वचन, अपनी ईमानदारी और ऑनेस्ट के कारण विख्यात होते हैं। लेकिन जब बुरा वक्त यानी शनि जब वक्री रहा तो आपको यह चीजों का रियलाइज करवा दिया कि अपना कौन है और पराया कौन है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कभी कभी खराब वक्त भी आना शुभ ही होता है। अब देखिए मीन लग्न और मीन राशि वाले जब शनि मार्गी होंगे तो शनि आपकी कुंडली में मकर राशि के आय स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। अब इनकी तीन दृष्टियां होंगी, एक लग्न पे होंगी, एक पांचवें घर पे होगी और एक अष्टम हाउस पे होगी। अब देखिए मीन लग्न और मीन राशि वाले मीन लग्न के स्वामी होते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति और शनि शत्रु नहीं है, समग्रह ग्रह है। लेकिन मीन लग्न में शनि सुफल नहीं देता है। मैं मानता हूं इस चीजों को कि मीन लग्न में सुफल नहीं देता है क्योंकि द्वादश का भी मालिक होता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आय स्थान में जब कोई ग्रह बैठ जाए तो वह कभी अशुभ फल नहीं देता है, और अगर आय स्थान में कोई ग्रह अपनी राशि का बैठ जाए तब तो उसकी शुभता को 10 गुना बढ़ा देता है। यही चीज तो मैं साबित करने के लिए आपके समक्ष बैठा हूं। अब इसके अलावा जो है मीन लग्न और मीन राशि वाले, क्योंकि राहु भी राशि परिवर्तन किया, राहु वृषभ राशि के तीसरे हाउस में चला गया तो राहु की नौवीं दृष्टि भी शनि के ऊपर जा रही है। अब क्या होगा कि राहु के शनि परम मित्र हैं तो ये शनि के बल को 10 गुना बढ़ा देगा। अब यहां पे देखिए क्या है, शनि क्या है, कर्म को अधिष्ठ करते हैं। आपको एक व्यक्ति को तराश करके यानी संघर्ष करा करा के रगड़ रगड़ करके दुनिया में एक प्रखर व्यक्ति बनाते हैं, यानी एक नॉर्मल इंसान को स्मार्ट वर्क करने वाला इंसान बनाते हैं। तो आपको मीन लग्न और मीन राशि वाले इन सभी चीजों में सफलता देगा क्योंकि शनि डायरेक्ट संपत्ति के कारक होते हैं। अगर शनि की स्थिति पत्रिका में खराब हो जाए ना तो आप 2 कौड़ी का फूटा हुआ संपत्ति भी परचेज नहीं कर सकते हैं, और अन्य संपत्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो शनि जब मार्गी हो रहे हैं मीन लग्न और मीन राशि वाले तो संपत्ति के निर्माण में आपको विशेष वृद्धि करवाएंगे। यही नहीं, शनि व्यय स्थान के भी अधिपति हैं तो आपको यह कर्ज से मुक्ति दिलाएगा, साथ में केस मुकदमा से भी बचाएगा। अब यहां पे देखिए शनि एक्चुअल में महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि शनि डायरेक्ट जो है केमिकल्स, आयरन, पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, बिल्डिंग, ठेकेदारी, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टिंग, लोहा, विद्युत, मशीनरीज उद्योग, इसके अलावा जो है उच्च प्रकार के शिक्षण संस्थान, और साथ में जो है शनि जो है किस चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि रिप्रेजेंट करते हैं जमीन से निकले हुए दुर्लभ वस्तुओं को, तो इन सभी यानी पुरातात्विक वस्तुओं को। तो इन सभी क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए मीन लग्न और मीन राशि वाले विशेष शुभ और लाभकारी योग रहेगा। अब यहां पर देखिए शनि बैठा कहां है, पहले इस चीजों को अब विशेष तौर पर समझिए। शनि आपकी कुंडली में आय स्थान के बैठा हुआ है। आय स्थान क्या होता है, 11वां हाउस क्या है, आपको विदेश यात्रा करवाएगा, उद्योगपति बनाएगा। 11वां हाउस डायरेक्ट धन का होता है तो धन की भी प्राप्ति करवाएगा, वाहन सुख, संपत्ति सुख, व्यवसाय में उच्च प्रकार की वृद्धि करवाएगा। जो व्यक्ति इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, क्योंकि डायरेक्ट शनि इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी शनि खराब हो जाए ना वो जिंदगी में कभी भी टॉप क्लास के इंजीनियर बन ही नहीं सकता है, घिसा पिटा तो बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन अगर शनि अच्छा हो तो टॉप क्लास के इंजीनियर बनता है। तो जो व्यक्ति मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है, सिविल इंजीनियरिंग में खास करके जो है, आपके लिए मीन लग्न और मीन राशि वाले शनि विशेष शुभ और लाभकारी फल देंगे। इसके अलावा सिर्फ यहीं पर नहीं समाप्त हो रही है,
विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, नहीं जा पा रहे थे। कई दिनों से विचार कर रहे थे कि स्थान परिवर्तन करूं, मतलब आप जहां रहते हैं नए जगह पे प्रॉपर्टी लेकर के दूसरे जगह पे जाओ। जब शनि मार्गी हो जाएगा ना तो सीधा इन चीजों में बढ़ोतरी कर देगा मीन लग्न और मीन राशि वाले। अब यहां पे देखिए क्या है कि जब आय स्थान में शनि बैठता है ना तो आप मेहनत कम कीजिएगा और दूसरा सामने वाला मेहनत ज्यादा करेगा और उसके द्वारा भी आपको संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब आप किसी के अधीन में रह रहे हैं या आपका कोई पार्टनर हो, कम मेहनत करेगा उसका फल भी आपको प्राप्त होगा, मतलब दूसरों के किया हुआ कर्म क्षेत्र का भी फल आपको ही प्राप्त होगा। अब यहां पे देखिए शनि तीसरे दृष्टि से लग्न को देख रहा है, मीन राशि को। तो देखिए मीन राशि वाले और मीन लग्न वाले, आप दयालु भावुक होते हैं, तो जब तक कठोर डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंतर्गत नहीं आएगी आप सफल हो ही नहीं सकते हैं। तो जब शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पे पड़ेगी तो आप कठोर डिसीजन और कठोर निर्णय लेने सीख जाएंगे, यानी अब आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। पांचवी दृष्टि से, पांचवी स्थान पे यानी पांचवें घर पे इसकी सातवीं दृष्टि पड़ रही है, तो देखिए निश्चित तौर पे ये संतान संबंधी थोड़ा कष्ट उत्पन्न करेगा, निश्चित तौर पे शिक्षा में ये थोड़ा बाधा उत्पन्न करेगा ही करेगा, क्योंकि शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, इन लोगों को ज्ञान से मतलब नहीं होता है, इन लोगों को डायरेक्ट छप्पड़ फाड़ के देने की आदत होती है। यही कारण है कि 20 साल 18 साल 14 साल 10 साल तक के लोग भी मिलेनियर्स बने हैं, ये तीनों ही ग्रह के कारण से, और कोई ग्रह उनको उठाने का नहीं होता है। तो यह शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेगा, हालांकि लास्ट में मैं आपको इसका उपाय बता दूंगा। अब देखिए दसवीं दृष्टि से आठवें घर को देख रहा है, तो जिन लोगों का ससुराल पक्ष से मतभेद चल रहा था, जिन लोगों को केस मुकदमा या झूठे आरोप में फंसा दिए गए थे, जिन लोगों की नौकरी में स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, साथ में जो है जिनका दाम्पत्य जीवन में सुखों की प्राप्ति नहीं हो रही थी और प्रॉपर्टी विवाद संबंधी जो समस्याएं चल रही थी, यह सभी प्रकार की समस्याएं मार्गी शनि आपके मीन लग्न और मीन राशि वाले 100% दूर कर देंगे। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि शनि जो है डायरेक्ट आय स्थान में बैठे हुए हैं, तो आपसे ज्येष्ठ यानी आपसे बड़ा, वह चाचा हो या बड़ा भाई हो या चचेरा भाई ही क्यों ना हो या सहोदर भाई ही क्यों ना हो या फिर आपसे बड़ा ही कोई क्यों ना हो, सीनियर ही क्यों ना हो, उनके द्वारा आपको धन की प्राप्ति और सफलता के नए रास्ते प्रारंभ होंगे। यानी कुछ लोग जो है आपको इतने अच्छे से सपोर्ट कर देंगे कि आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। यानी मीन लग्न और मीन राशि वाले, शनि का मार्गी होना बहुत हद तक किन मामलों में लाभकारी या तो आप समझ गए। अब यहां पे देखिए, क्योंकि मैंने बताया लॉटरी सट्टा जुआ में थोड़ा नुकसान देने की संभावना, शिक्षा और संतान संबंधित और प्रेम संबंधित में थोड़ी सी परेशानियां यह निश्चित तौर पे डिस्टर्ब करेगा, तो आप इसके लिए क्या करिए, शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद गरीबों को खिचड़ी खिलाइए। शनिवार के दिन आप यह प्रयोग महीना के एक दिन भी कर सकते हैं या सप्ताह के चारों शनिवार को कर सकते हैं। सरसों तेल का दीपक में थोड़ा सरसों तेल डाल करके थोड़ा काला तिल मिला करके पीपल पेड़ पे उसको ज्वला दीजिए और 5 बार जो है आप परिक्रमा कर लीजिए। शनि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अशुभ आप रुद्राष्टकम का पाठ करिए और शनि के प्रभाव को अच्छा करना चाहते हैं तो कुत्तों को दूध पिलाइए शनिवार के दिन। तो इन सभी उपायों से शनि महाराज डायरेक्ट शांत होते हैं। शनि का जो वैदिक मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः, फिर या फिर तांत्रिक मंत्र जो है उस मंत्र का आप प्रयोग करिए, तो आप देखिएगा शनि का जो भी थोड़ा अशुभ प्रभाव है वह भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शनि संघर्ष कराता है, डराता है। तो अगर आप पढ़ाई में पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इसके अलावा जो है सोच समझ करके सरकारी नौकरी के कर्म क्षेत्रों को अगर बढ़ाते हैं तो शनि क्या, शनि का बाप भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि शनि मैंने बताया कि गलत क्षेत्रों में आपको करवाएगा, पढ़ाई से बाधा उत्पन्न करेगा। आप एकदम कॉन्फिडेंट लगाकर उस मेहनत को कीजिए तो शनि का कुछ भी अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। प्रिय मीन लग्न और मीन राशि वाले, मैंने बताया 29 सितंबर से शनि मार्गी हो रहे थे, इसका संपूर्ण फल आपके जीवन पे क्या पड़ेगा। अनुरोध करता हूं कि चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक जानकारी साथ, तब तक बने रहें मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद, भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे, सिर्फ मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं। धन्यवाद।